नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर महिलाओं के सम्मान पर समारोह। समाज में निस्वार्थ दे रही सेवाओं को लेकर संस्था ने किया सम्मानित। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थानीय किसानों को किया सम्मानित। कड़ी मेहनत और उनके समर्पण को देख संस्था ने बढ़ाया हौसला। गुजरात के रखियाल में बीके उषा के कर कमलों से हुआ नव निर्मित भवन का उद्घाटन। अतिथियों ने दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और एंटीगुआ और बारबुडा देश के प्राइम मिनिस्टर से की बीके पायल ने मुलाकात। पीएम गैस्टन ब्राउने को संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट आयाम स्थापित करने वाली सशक्त महिलाओं का गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज में निस्वार्थ सेवाएं दे रही कई महिलाओं को बीके कैलाश ने सम्मानित किया, जिसमें रास्ते पर छोड़ दिए गए बच्चों को संभालने के लिए दीप्ति बेन, कोरोना काल में 46 दिन तक 500 लोगों को खाने का टिफिन पहुंचाने वाली प्रेमलता समेत कई महिलाएं शामिल रही। इन समाज सेवियों की हिम्मत बनी रहे, इसके लिए कार्यक्रम आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं में कुछ करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ती है, जिससे वह समाज को बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस मौके पर महानगर महिला मोर्चा की प्रमुख प्रियाबेन पटेल समेत कई महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मेयर सहित कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। अंत में सभी ने बड़े ही प्रेम एवं आदर सत्कार के साथ परमात्मा परिचय की किताब सौगात के रूप में प्राप्त की। जिस तरह आज का नकारात्मक माहौल संसार में फैल चुका है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द ही लोगों को ध्यान साधना के लिए आध्यात्मिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। भविष्य को देखते हुए गुजरात के रखियाल में एक नए आध्यात्मिक केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम ही ज्ञान गंगा भवन है। इस सुंदर भवन का उद्घाटन करने के लिए माउंट आबू से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, जिनकी उपस्थिति से पूरा माहौल ही खुशनुमा हो गया। नवनिर्मित भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह परमार, मणिनगर सबजोन प्रभारी बीके नेहा, रखिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। किसान न केवल खाद्य प्रदाता के रूप में बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रहा है। ब्रह्मकुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसानों को सम्मान देने के लिए भारतवर्ष में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही कार्यक्रम महाराष्ट्र के वर्धा के सामाजिक न्याय भवन में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की कड़ी मेहनत और उनके समर्पण को देखते हुए स्थानीय किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षता सरिता गाखरे, जाति सत्यापन समिति के अनुसंधान अधिकारी गौतम वाकंडे, समाज कल्याण उपायुक्त बीके शरद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी समेत कई अतिथिगण उपस्थित रहे। ऐसा ही कार्यक्रम सिराज गांव में आयोजित किया गया, जहां बीके सदस्य द्वारा मौजूदा किसान भाई बहनों को योगिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में उप सरपंच निखिल गावंडे, ग्राम पंचायत सदस्य ज्योति पॉल समेत कई किसान उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पुलिस प्रशिक्षण शाला के नव आरक्षकों का 72वां दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये समारोह आईजी दीपिका सूरी की मुख्य अतिथि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समारोह में ब्रह्मकुमारी संस्था को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने इस भव्य समारोह में अपनी शुभकामनाएं समस्त अधिकारियों एवं पुलिस जवानों को देते हुए ईश्वरी सौगात देकर उनका सम्मान किया।
बीके बहनों ने देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए उन सभी सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त किया जिनके कारण हमारा देश संपूर्ण चैन की सांस ले रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए बहुत आवश्यक है। गीता में वर्णित उच्च ज्ञान को धारण करना ही व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आत्मा, परमात्मा और कर्म का ज्ञान आज का व्यक्ति भूल चुका है। उसी ज्ञान से रूबरू कराने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बीके लीना ने श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि गीता ज्ञान में वर्णित युद्ध संपूर्ण रूप से अहिंसक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ग्रासिम केमिकल्स कंपनी रेणुकूट परियोजना में तनाव मुक्त जीवन विषय पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कंपनी में कार्यरत महिला स्टाफ ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण को ग्वालियर गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति एवं बीके नीति ने कराया, जहां उन्होंने खेल खेल में बताया कि पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना सीखना चाहिए। ऐसे ही डीएवी सूर्य विहार स्कूल सिंगरौली में मेमोरी मैनेजमेंट पर बीके ज्योति ने ए से एक्यूरेसी, बी से बी हैप्पी, सी से क्रिएटिविटी, डी से डीप साइलेंस का मंत्र दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल, स्टाफ समेत स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। अब कुछ खबरें एक नजर में। दिल्ली के मधुविहार सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, शहीद जनरल रावत समेत अन्य शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र पर उपस्थित बी के सदस्यों समेत अतिथियों ने शहीदों को याद कर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। दिल्ली के शाहदरा में गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कार्यक्रम, छज्जूपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण जीवन संरक्षण विषय पर कार्यक्रम, बीएड स्टूडेंट्स एवं कॉलेज स्टाफ ने लिया भाग। संस्था के साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पीयूष ने उपस्थित जनों को बताया पर्यावरण को कैसे रखे साफ, बाहरी पॉल्यूशन के साथ साथ मन के पॉल्यूशन को करे सकारात्मक विचारों से साफ। कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा समेत छज्जूपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी भी उपस्थित रही। अंत में राजयोग मेडिटेशन का सभी ने किया अभ्यास। संस्था द्वारा चलाए गए मेरा भारत खुशहाल भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम, एमपी के विदिशा मुखर्जी नगर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूल कॉलेजेस में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन, कई पब्लिक प्लेसेस पर भी बीके सदस्यों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए सकारात्मक संदेश। वहीं पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को कराई एक्टिविटीज एवं मेडिटेशन। ऐसे ही श्री हरिव्रत आश्रम में बीके सदस्यों ने जीवन जीने के महत्व पर डाला प्रकाश। विदिशा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न। दिल्ली के विवेक विहार उप सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन, कोरोना के लंबे समय के बाद बीके सदस्यों ने किया गेट टुगेदर। कार्यक्रम में अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद रहे उपस्थित। ओडिशा के भुवनेश्वर सेवा केंद्र द्वारा नारी शक्ति पर कार्यक्रम, महिलाएं एक समृद्ध और स्वस्थ समाज की नींव है विषय पर आयोजित कार्यक्रम। कार्यक्रम में पंचायत वुमेन फेडरेशन से आई कई महिलाओं ने लिया हिस्सा। उपस्थित महिलाओं ने समाज में आज नारी की दशा पर की चर्चा। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बीके तपस्विनी ने ईश्वरीय सौगात देकर उनका किया सम्मान। गुजरात के बांटवा में सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम, ड्राइवर्स एवं कंडक्टर्स के लिए वर्कशॉप, बीके मधु ने व्यसन मुक्त जीवन जीने की सिखाई कला। गुजरात के मेहसाना सेवा केंद्र पर वर्तमान समय में किसान की भूमिका विषय पर प्रोग्राम, गॉडली पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में किसान भाई बहने उपस्थित। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, अतिथियों ने किसानों के लिए व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं, बीके सरला ने किसानों का किया सम्मान। वहीं आनंद सरदार बाग सेवा केंद्र द्वारा किसानों के लिए कार्यक्रम, लगभग 80 किसान भाई बहने रहे उपस्थित। किसानों को बताया यौगिक खेती का महत्व, बीके चेतना ने सरपंच गीता बेन को दी ईश्वरी सौगात। ऐसे ही अहमदाबाद के विराम गम में किसानों का सम्मान समारोह, बीके सदस्यों ने रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करने की बात कही, किसानों ने जाने शाश्वत यौगिक खेती करने की प्रणाली। अब खबरें हरियाणा की। कादमा सेवा केंद्र पर भारत के अन्नदाता किसानों के लिए प्रोग्राम, बीके वसुधा की अध्यक्षता में कार्यक्रम, जैविक खेती के आयामों पर विस्तार से चर्चा, जैविक खेती कर रहे किसान भाइयों को किया सम्मानित। ऐसे सोनीपत के सेक्टर 15 पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों के लिए कार्यक्रम, कार्यक्रम में लगभग 250 किसानों ने लिया भाग। बीके सुनीता ने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का बीज रोपण करने की दी शिक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर किसानों को मिला सम्मान, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह, बीके सुषमा ने किया किसानों को मफलर उड़ाकर सम्मानित। सौगात के रूप में भेंट की शाश्वत योगी खेती की पुस्तकें।
छत्तीसगढ़ के राज्य में भारत को शक्तिशाली बनाने में किसान की भूमिका पर कार्यक्रम। बीके नारायण ने किया किसानों को संबोधित, कहा रासायनिक खेती जमीन की उर्वरक शक्ति को कर देती है खत्म। बीके बहनों ने किसानों को दिलाई शपथ। वहीं बलोदा सेवा केंद्र पर किसानों को योग्य खेती के प्रति जागरूक करने के लिए रखा कार्यक्रम। बिलासपुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके मंजू रही उपस्थित। बलोदा क्षेत्र के लगभग 29 गांवों से 127 किसान हुए शामिल। बीके बहनों ने कहानी के माध्यम से व्यसन मुक्त जीवन बनाने की दी प्रेरणा। किसानों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए किया सम्मानित। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर क्रिसमस सेलिब्रेशन। नाबार्ड बैंक के डीजीएम सुभाष चंद्र गर्ग रहे उपस्थित। बीके निर्मला ने बताया क्रिसमस का आध्यात्मिक रहस्य। सेंटा की ड्रेस में बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी बड़े दिन पर ग्रैंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन पर बच्चों ने की खूब मस्ती। बीके नीता ने बताया आखिर क्यों स्पेशल है सेंटा, बच्चे और बड़े बने सेंटा क्लॉज। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर क्रिसमस सेलिब्रेशन। बीके सदस्य बने सेंटा क्लॉज। चिकन सॉन्ग पर बड़ों ने किया जमकर डांस। सेंटा बनकर बांटे सभी को गिफ्ट्स। कोलकाता म्यूजियम पर मनाया गया क्रिसमस डे। बीके कानन की उपस्थिति में हुआ सेलिब्रेशन। उपस्थित जनों को बताया क्रिसमस का रहस्य। सेंटा बनकर बच्चों ने की जमकर मस्ती। जयपुर के राजा पार्क पर भी सेलिब्रेशन। बीके पूनम ने कहा भगवान हमें देता है प्यार और विश्वास के गिफ्ट्स। अतिथियों ने दी क्रिसमस की बधाइयां। आगरा के शास्त्रीपुरम सेंटर पर मनाया गया क्रिसमस। छोटे छोटे बच्चे बने सेंटा क्लॉज। सेंटर पर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ट्रिनिडाड की सीनियर राजयोगा टीचर बीके पायल ने कैरेबियाई आइलैंड का दौरा किया। इस दौरान एंटीगुआ और बारबुडा देश के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने से मुलाकात की। उन्होंने गैस्टन ब्राउने को ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की जानकारी देते हुए दादी जानकी पर आधारित बुक कंपेनियन ऑफ गॉड भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने अम्बेसडर लियोनल मैक्स हर्स्ट और लिनेट थ्वाइट से भी मुलाकात कर बुक भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ बीके चंद्रावती भी मौजूद थी। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।